बारिश का मौसम बड़ा खुशनुमा होता है भैया। पिछला सीट पे अगर कोई बैठा रहे तब तो और मजेदार होता है। इसी तरह मैं चाहता हूँ अपनी प्रेमिका को बिठा कर ले जाना। बस इसी तरह हमारे पापा भी आते थे और चोट देकर भगाते थे। वहाँ हरियाली भी रहती है, समझे कि नहीं? बहुत हरियाली अकेले होती है, बहुत हरियाली किसी हरियालवा के साथ रहता है। बारिश में भीग के जाने का मजा ही कुछ और होता है। अभी आए थे इधर कुछ बकलंठई करने के लिए, बारिश शुरू हो गई। बारिश में पेल देते हैं, मतलब रेल देते हैं, गाड़ी से आगे निकाल देते हैं, भीग ना जाएंगे जी, लेकिन कोई बात नहीं। एकदम आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है इधर बारिश हो रही है, चपचपा के गाड़ी वाला सब निकल रहा है। बारिश में इसी तरह आनंद लीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। बारिश में निकलने का एक ही फायदा होता है गुरु, आपको सड़क पर जाम नहीं मिलेगा। ओ चचा, अरे क्या बताएं गुरु, चश्मा पे तो दिख ही नहीं रहा है, काहे कि एकदम बारिश का जो है फवारा बन जा रहा है। दिखता नहीं है गुरु। देख सकते हैं पिछला तो बैग टांग लिया है अपन ने, दरअसल गए थे पढ़ाई के लिए, लेकिन जो है भैया क्या बताएं कि बारिश शुरू हो गया एकदम जो है। देखिए पेट्रोल पंप सब पे लोग कैसे एकदम जो है इंतजार कर रहे हैं। मौसम देखिए क्या छोटू, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। अरे भैया ऊपर देखिए ट्रेन वहाँ जा रहा है, कैमरा पर लग रहा है। अरे 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 यार, रास्ता बंद है गुरु। और आप देखिए ओवर ब्रिज के पास एकदम किस प्रकार से जो है जाम लग गया है, इधर बारिश हो रही है, टोटो ऑटो सब खड़ा है। कहा हो भैया, क्या हाल है? ठीक है, हाथ लगाया मजे में। चलो ठीक है, बाबा का दम चापले रहा, ठीक है, ठीक है, हंस दो यही तरह हंसत मुस्कुरावत रहा। ये गुरु हमको बारिश से तो डर नहीं लगता, पीछे देखिए लोगों की भीड़ लगी हुई है अभी भी ओवर ब्रिज के नीचवा, काहे की देखिए रास्ता खाली है, कुछ कार वाले महापुरुष लोग जा रहे हैं। यार ऐसा ही होना चाहिए भैया। और ये बुलडोजर बाबा का बुलडोजर जा रहा है, हमसे कहे भैया हेलमेट लगा लिया करिए, हम तो जरूर लगाएंगे, काहे नहीं लगाएंगे। पानी जो है मीठा है, उड़ा उड़ा पानी, उड़ा पानी। देखिए छोड़ा सा टोली निकल गया है, आज एकदम मेन सड़क से जाएंगे, हमेशा गली कुर्सी का प्रयोग करते थे, लेकिन आज बारिश होने की वजह से एकदम पूरा सड़क पे मजा लेंगे। कार वालों का मजा है भैया, एकदम खाली मजा लेते हैं ये लोग। दुकान वाले इधर जो है लोगों को पकड़ पकड़ के लेके जा रहे हैं। और भैया ये जगह जो है ये सिगरा है, सिगरा में जो है अभी हम लोग हैं, सिगरा से आगे बढ़ रहे हैं लंका की तरफ, देख सकते हैं रेनकोट वाले हैं भैया। देखिए ये दीदी कैसे कार में भीग के जा रही है, और ये भैया का नीचे भीग रहा है लेकिन ऊपर छाता से। अरे भैया, अरे भैया, अरे बारिश में पकड़ लिया। और अभी हम अगली कड़ी में रथ यात्रा की तरफ पहुंच रहे हैं, शाम में अंडा वाला का अंडा नहीं बिक रहा है, इस बात का अफसोस है बारिश की वजह से। बारिश का मौसम बड़ा खुशनुमा होता है भैया, पिछला सीट पे अगर कोई बैठा रहे तब तो और मजेदार होता है। वो अलग बात है कि अभी हम अकेले हैं, नहीं तो जैसे ही मेरे पास सांप के सर से घर चपा जाता, मतलब वो ठंड की वजह से। इधर जो धुनी रख गया है। और भैया ये जगह जो है ये रथ यात्रा है, रथ यात्रा के पास पहुंच चुके हैं, गाड़ियों का जो है काफिला चल रहा है। देखिए कहीं ब्याह है लग रहा है, इसीलिए डोला डोंची खोवा खोंची जा रहा है।
यहाँ पे एक आम दिख रहा होगा आपको, आम वाला बगल में था, नहीं तो उसका आम उठा लेते, चुरा लेते। इसी तरह मैं चाहता हूँ अपनी प्रेमिका को बिठा कर ले जाना। देखिए जिस प्रकार से बारिश में भीग रही है। अरे भैया रुक जा, जिंदगी हो तो ऐसी अपनी जो है वही वाला गाइडो। अरे भैया हाँ हाँ हाँ, हंसते हंसाते ठिठौली करते हुए बारिश के बाद भैया कहीं कॉफी ऑफी मिल जाता, बड़ा मजा आता। आप लोग बताइए गुरु बारिश में क्या खाना चाहिए। बाहर निकलने का कोई प्लानिंग नहीं था गुरु, गए थे काम से, लेकिन जो है बारिश फिर रास्ते में पकड़ लिया, छोड़िए नहीं रहा था, जिद किया कि नहीं मैं कह ठीक है। और यहाँ लड़कियाँ हाथ दे रही है, लेकिन ऑटो वाला रोक नहीं रहा है, रिस्क नहीं लेना चाहता है बारिश में। देखिए गुरु मजा तो है, यहाँ आएगा नहीं, देखिए इधर जम रहा है, पैर पर खर्चा उड़ा उड़ा के लोग जा रहा है, छपर 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 छपर। और ये दूध वाले बाटा चाचा को पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाल्टा में ऑटोमेटिक पानी मिल जाएगा। चाचा के लिए बारिश आपदा नहीं अवसर है, यहाँ सेब मिल रहा है, आम मिल रहा है, कहीं चाय पकौड़ा मिल जाए तो एकदम ढकोड़ा करके एकदम ढकेल देंगे एक के बाद में। याद तेरी आएगी तो बड़ा सताएगी बेटा। अरे हटो हटो हटो, देखिए बारिश जो होता है बच्चों के लिए बड़ा मजेदार होता है। अब देख लीजिए बच्चा लोग किस तरह से एकदम हट लट एकदम नीचा, देख लीजिए एकदम बच्चों को देखिए एकदम कितना उत्साहित है पानी होने से। ओट लगे क्या बात है, चलो एक बार डांस करके दिखाओ। हाँ यही डांस, ओट लगे ऐट 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 करो, हाँ करो करो करो, ऐ इसको मौका दो इसको, हाँ करो। बस इसी तरह हमारे पापा भी आते थे और चोट देकर भगाते थे, होकर पिताजी आए और चोटिया। बस सबको जो है मार पीट के भगा दिया गया, यहाँ से हट जा 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 हट जा, ब्रेक नहीं है। आएंगे तो तुम लोग को चुटियाएंगे। देखिए ये लोग जो है अपना कर्तव्य दिखाने से बाज नहीं आ रहा है, है कि नहीं, सब मजा ले रहा है। ये कौन सा स्टाइल है भाई, एक बार फिर से दिखाओ, फिर से एक बार फिर से दिखाओ। क्या खाओगे बताओ, चलो वहाँ बिस्किट खिलाता हूँ, चलो कौन सा नमकीन खाओगे। बच्चा लोग जो है ये सब मिल गया है, ये सब जिद कर रहा है कि इसको बिस्किट खाना है, बिस्किट खाओगे ये बताओ, गुट्टे खाओगे, चलो आओ। चढ़ गए थे मोटरसाइकिल पे कि बिस्किट जब तक नहीं खिलाइएगा जान नहीं देंगे। बचपन में हमको जल्दी, हम भी चाहते थे कि कोई हमको बिस्किट खिला दे, लेकिन मिलता नहीं था। भैया थक हार के एकदम लंथई करते करते फिर आए हैं यहाँ पे जूस पीने के लिए, थोड़ा सा जूस पी लेते हैं फिर आगे निकलेंगे, फिर तब लंथई होगा चाट के, तब थोड़ा घर की तरफ जल्दी से पहुँच जाते हैं। फिर जब बैगवा एक बार रख देंगे, बैग रख के तब एक राउंड ले लेंगे अगल बगल देखने के लिए कि बारिश कितना हुआ है, कहाँ कहाँ पानी लगा है, पूरा ऑटो टेम्पू का जाम लग गया है संकट मोचन मंदिर के पास। भैया ऐसा है जब भीग ही गए थे तो ऊपर सर पे मुरक्खा बांध लिए हैं, उसी तरह एक राउंड देख के आते हैं कि पानी में कैसा मज़ेदार मौसम है, कहाँ कहाँ पानी लगा है कि नहीं, जब भीग गए हैं तो सब काम कर लेते हैं। दोस्तों घर से बाहर निकल चुके हैं और मौसम जो है उसी तरह है, ठीक खूब बारिश हो रहा है एकदम चपा चप चप चपा के, देखिए कितना पनिया लग गया है जिसका कोई जवाब नहीं है।
तो एक राउंड जो है घाट की तरफ पहुंच जाते हैं। देखिए भैया ये बनारस है, समझे, बनारस में हर एक ओकेजन के लिए घाट ही सबसे पर्याप्त जगह है, मतलब क्या कहते हैं उसको, सुनिश्चित किया जाता है लॉन्डो के द्वारा कोई भी जगह वो घाट ही है। तो इसीलिए जो है सब जब आठ मारा है बिजली चमचमा के एकदम साठ से, देखिए यहाँ पे कुछ भी होता है, कोई भी फंक्शन होता है, लौंडा लवारी का मिलना जुलना होता है, खेलना कूदना होता है, लोग घाट पहुँच जाते हैं। देखिए कितना पानी लग गया है, खपर 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 तय हो रहा है कि नहीं। घाट पे एक बार पहुँच के दिखाते हैं किस प्रकार सीढ़ियों से पानी गिरता है, एक बार तो घाट का आनंद लेना चाहिए भैया हर मौसम में। अरे बाप रे, बिजली देख रहे हैं कैसे मार रहा है चम से जो है एकदम पूरा। अरे बाप रे, चुंदिया दिया बहन के बारे में, मतलब भैया इसके बारे में, भैया ये रास्ता जो है ये रास्ता चला जाता है अस्सी घाट की तरफ, इधर से आए थे और ये रास्ता है अस्सी घाट की तरफ, लेकिन अभी अस्सी घाट की तरफ नहीं जाएंगे, अभी जाएंगे अस्सी घाट के ठीक बगल में एक दूसरा घाट है तुलसी घाट, वहाँ पे बाइक को लगाएंगे और फिर वहाँ से जो है थोड़ा थोड़ा पैदल चलते चलते अस्सी घाट की तरफ पहुँचेंगे, ठीक है। और सीढ़ियों पे किस प्रकार से पानी गिरता है, क्या होता है, किस प्रकार से लौंडे वहाँ मज़ा लेते हैं, लोग मज़े लेते हैं, सब दिखाएंगे। बरसात का क्या आलम होता है घाट पे, आज ये चल के फिल्माते हैं, वो दिखाते हैं। अपने रहिए वीडियो में, तब तक के लिए चैनलवा का सब्सक्राइब भी ठोक देंगे तो मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं। बाप रे, बिजली मार रहा है एकदम चमचमा के, लग रहा फ्लैश जला। चले भैया तो पहुंच रहे हैं, पहले लोग देख के सोच रहे हैं कि साला बौड़ा गया है पानी में, लेकिन कोई बात नहीं। और गुरु तुलसी घाट की तरफ बढ़ रहे हैं, यही वो रास्ता है, गली है जहां से तुलसी घाट पर जाया जाता है। देखिए भाई साहब की बाइक खराब हो गई है, लग रहा पानी घुस गया साइलेंसर में, लग रहा ढेर सारा यहाँ पे पानी जमा हुआ है। तो ऊपर पहुँचते हैं, ऊपर पहुँच के इसका आनंद लेते हैं, बिजली देख रहे हैं किस प्रकार से चमक रहा है। अरे बाप रे बाप रे बाप, ओए होए 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 होए, देखिए कुछ लोगों का, अरे बाप रे, देखिए लाइट देख रहे हैं, लाइट लगन लगन, ओ बाप, कोई बात नहीं, यहाँ गाड़ी लगा रहे हैं तुरंत। अरे साला बिजली चमक रहा है, क्या चमक रहा है भैया। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं तुलसी घाट के पास, ठीक है, यहाँ गाड़ी लगाते हैं। देखिए यहाँ पे नंदी महाराज है, आशीर्वाद लीजिए, देखिए प्रेमी युगल लोगों को। अरे बाप, देखिए भैया किस प्रकार से जलमग्न है यहाँ पे और लोग पानी का आनंद ले रहे हैं। यहाँ से देखिए दिखाते हैं थोड़ा सा ऊपर, पहले लोगों में एकदम जोश देखिए, उत्साह देखिए, ठीक किस प्रकार से भीग रहे हैं, मजा ले रहे हैं। चलिए सबसे पहले नीचे चलते हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से वहाँ प्रेमी युगल जो है एक दूसरे से प्रेम फरमा रहे हैं, है कि नहीं, बारिश में भीग रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, प्रेम करिया रहे हैं। आठ लगे कितना, देखिए एकदम बिजली चमक रहा है। और सबसे खूबसूरत यही लगता है भैया सीढ़ियों पे आप अगर बैठेंगे, ठीक है, सीढ़ियों पे इसी तरह एकदम चपचपा के पानी गिरता रहता है, एकदम जैसा लगता है झरना के पास बैठ। घाट पे आपको हर जगह जो है, ये तुलसी घाट है और ये बड़ा सुंदर एकदम बहुत ही मजेदार पीपल का पेड़ है, इसके नीचे लोग बैठ के जो है एकदम खूब मौज लेते हैं। और यहाँ पे देखिए एकदम छोटे छोटे आपको ढेर सारे शिवलिंग दिखाई देंगे, जय महादेव हर हर महादेव। पानी में चमक देखिए भैया, मैं देख लीजिए समय कितना हो रहा है, अभी 5:30 बजने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी पे किस प्रकार से पानी गिर रहा है, लोग कैसे आनंद ले रहे हैं, देख रहे हैं। गुरु तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो है पानी एकदम पूरा बह रहा है झड़झड़ा के, लोग जो है पीछे मौज ले रहे हैं उसी तरह से। यहाँ आके अगर इस सीढ़ी पे बैठेंगे तो बैठेंगे तो पीछे से जब पानी आएगा तो लगेगा एकदम झड़ने का पानी आ रहा है। तो आइए बरसात में कभी घाट पे मौज लेने के लिए, अभी आगे निकल के थोड़ा और आगे दिखाते हैं आपको कि आगे में क्या सब होता है। भैया अस्सी घाट से आगे बढ़ने के बाद ही पानी टंकी है, लोग दिख रहे होंगे आपको पानी टंकी के ऊपर भी चढ़े हुए हैं, पानी टंकी से नीचे का नज़ारा बड़ा मज़ेदार आता है। मार बिजली एकदम, बिजली एकदम चमक रही है एकदम सरिया के। अब देखिए यहाँ पे क्या कोटेशन लिखा हुआ है, ये आगे पानी कह रहा है आगे जाएंगे तो रेला जाएंगे, बचाने वाला भी आदमी जल्दी नहीं मिलता भैया। अब यहाँ से आगे बढ़ के जो है फिर अस्सी घाट पे चलते हैं, वहाँ चाय का रसा स्वादन करते हैं, वहाँ हरियाली भी रहती है, समझे कि नहीं, बहुत हरियाली अकेले होती है, बहुत हरियाली किसी
हरियलवा के साथ रहता है। होगा पानी जो है कम हो चुका है। एक आदमी कह रहा है पीछे से ब्लॉगर आ गया। ब्लॉगर को लग रहा बड़ा खराब दृष्टि से देखते हैं भैया। देखिए इधर जो है सांप निकल गया। कौन से? अरे भैया देखो ले जाओ भाई इसमें दो। अभी यहाँ पे जो है बहुत सारे भाई लोग मिल गए। अरे देखिए ये बारिश में निकले थे बाहर लेकिन ये भाई लोग जो है भैया आनंद ले रहे हैं। हरियाली हरियाली सीढ़ियों पर देखिए किस प्रकार से जो है झरना की तरफ पानी गिर रहा है और ये भैया लोग अंदर से देख रहे हैं मजा ले रहे हैं। हथिला दो इनमें से। बारिश का मजा ये लोग कमरे के अंदर से ले रहे हैं भाई साहब। थोड़ा सा आगे आएंगे तो भैया आपको रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली दिख जाएगी। यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है इसलिए चप्पल को जो है सबसे पहले यहीं उतारिए। यहाँ से देखिए आपको रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पे। ये हिंदी में लिखा हुआ है इतना नवंबर सन इतना इतना को जन्म हुआ। ठीक है हिलजे लगा लीजिएगा अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन इतना ये क्रांति की इस महान नायिका को इतना जून सन इतना को ग्वालियर के निकट वीर गति प्राप्त हुई थी। और देखिए बुंदेले हर बोलों के मुँह सुनी हमने कहानी थी खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए एकदम किस तरह से घोड़ा के दोनों पैर को ऊपर उठवा दिया है। भारत की धरती पे कैसे कैसे वीर एकदम पैदा हुए हैं देखिए। यहाँ पे उनकी सारी जो है जीवन कुंडली लिखी हुई है कहाँ पैदा हुई थी कहाँ कहाँ क्या की गई फिर किनके किनके साथ उनका युद्ध हुआ फिर किनके साथ इनका विवाह किया गया था फिर जो है कब वीर गति को प्राप्त हुई सारी चीज़ें यहाँ दिखेगी। 80 घाट पे आइए तो 80 घाट पे आने के बाद उसके ठीक बगल में जो है थोड़ी ही दूर पे रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थली है। आपको एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए और उनके पराक्रम को यहाँ पे आप बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। हालांकि हर वो बच्चा जब भी बड़ा होता है तो उनको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी जरूर पढ़ाई जाती है सुनाई जाती है और उससे खूब प्रेरित होते हैं। तो ऐसी ही थी रानी लक्ष्मीबाई। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार जो है रानी लक्ष्मीबाई के पीछे में उनका बच्चा उन बांध कर उन्होंने लटकाया हुआ है अपने पीछे और बड़ा ही प्यारा एक बगीचा के तौर पे है यही जगह माना जाता है जहाँ पे उनका जो है जन्म हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं एक बार 80 घाट पे दिखा देते हैं पानी का क्या माहौल है। फिर किसी दिन जो है सुबह है बनारस 80 बहुत कुछ है सब एक एक करके दिखाएंगे। बारिश लगभग हल्की हल्की बंद हो गई है। भैया एक बात बताओ तुम यहीं रहत हुआ ये बताओ कब से कब खुलल रहता है कब से कब बंद रहता है? 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक। रात के 9 बजे तक यानी कि हर दिन हर रविवार सोमवार मंगलवार सब यानी 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक। ठीक है और यहाँ पे आने का कोई टिकट का चार्ज नहीं है। आइए और यहाँ पे जाके देखिए रानी लक्ष्मीबाई के जन्मस्थली को जाइए देखिए और उनसे प्रेरणा लीजिए। वहाँ की सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई है यहीं पे है यहाँ पे लिखा दिख जाएगा 80 घाट के ठीक बगल में और तुलसी घाट के ठीक बगल में यानी तुलसी घाट और 80 घाट के मध्य में ये रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली स्थापित किया गया है। यहाँ यहीं पर पैदा हुई थी। इधर लोग चाय का आनंद ले रहे हैं आज नहीं लिए हैं दो पैक समझे तो इसीलिए थोड़ा सा जो है लो फील कर रहे हैं। तो भैया ये है 80 घाट और ये है 80 घाट शाम बारिश के बाद का घाट। अभी थोड़ी देर में जो है अभी समय हो रहा है यहाँ पे देख लिए 6 बजने वाला है तो थोड़ी देर में ही जो है फिर यहाँ पे गंगा आरती किया जाएगा। बारिश के बाद यहाँ घाट का नज़ारा ले सकते हैं लोग एकदम देखिए किस प्रकार से जो है घाट पे घूमने के लिए फिर से आ गए हैं। इधर चाय वाय की टपरी है इधर ये लड़की अकेले बैठी है पता नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे सारे घाट का एक तरफ से जो है विवरण दिया हुआ है इसको आके एकदम आप पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ कौन सा घाट है। जो भी इधर अपने अपने प्रेम प्रेमी को लेके आए हैं देखिए इधर मौज ले रहे हैं। आरती के लिए तैयारी हो रही है और ये जगह है 80 घाट। इधर देखिए सब लोग शेड में है इसी में जो है सुबह बनारस होता है।
भैया लड़का लड़की भैया अभी दिखाते हैं सामने किस तरह से घूमते हैं। देख रहे हैं भैया। क्या लगता है आपको, क्या बात हो रही होगी? और इधर दीदी लोग देखिए टाइटैनिक वाला पोज में फोटो खिंचवा रही है, लेकिन दीदी हमको देख के शर्मा गई, सोची कि अभी वीडियो नहीं बनाते हैं। सीढ़ी जो है भैया एकदम खड़ा सीढ़ी है, चढ़ने में हालत खराब हो जाता है। ये घाट का सफर यहीं पे खत्म करते हैं, बारिश खत्म हो गई है इसीलिए फिर अब घर की तरफ निकल रहे हैं। थक गए एकदम, पूरा लो फील कर रहे हैं, चाय भी नहीं पी पाए, काहे कि पैसवा जो है वो घरे भूल गए। अब हर दिन इस तरह नहीं पिया जाता है। आगे चलते हैं, फिर गाड़ी के पास पहुंच गए हैं, विदा लेने का वक्त हो गया है। थक गए एकदम, देख रहे हैं सांस फूलने लगा थोड़ा सा, काहे कि सीढ़ी जो होता है ना भैया ऐसे होता है, कोई कोई ऐसे भी होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे होता है, तो ऐसे वाले पे चढ़ने में तकलीफ होता है। फिर मिलेंगे राजा फिर किसी अगले ब्लॉग में, चलें घर। बात कहना भूल गए, आप लोग बारिश में जो है आप लोग क्या सब करते हैं कमेंटवा में ज़रूर लिखिएगा। अब बारिश होने के बाद आप लोग भी लंठाई करने के लिए हमारे तरह निकलते हैं कि नहीं, ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, वही चैनल वहाँ के सब्सक्राइब कर दीजिए, तब ना मिलेंगे। बाय बाय, राम राम।